विदिशा में दो दिन पूर्व हुई सड़क दुर्घटना में प्रेस क्लब विदिशा के अध्यक्ष रहे राजेश शर्मा, सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित को प्रेस क्लब के साथियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसी के साथ दुखी परिवार की मदद के उद्देश्य से क्या किया जा सकता है, इसके संबंध में चर्चा की गई। दरअसल इस दौरान बताया गया कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन और नगरपालिका अध्यक्ष प्रभारी राकेश शर्मा द्वारा तीनों दुखी परिवार के एक एक सदस्य को योग्यता और पात्रता रखते हैं उन्हें नगर पालिका में संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पत्रकार ब्रजेंद्र पांडे द्वारा विदिशा जिले के पांचों विधायकों, जिले के दोनों सांसदों, जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग और इस घटना के दौरान विदिशा में कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गृह नगर सांची पहुंचे मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा इनकी बड़ी घटना में भी शोक तक व्यक्त न करने पर नाराजगी जाहिर की। खास बात यह है कि प्रभुराम चौधरी घटना के वक्त सांची में ही थे। जानकारी होने के बाद भी उन्होंने ना तो मौके पर पहुंचना उचित समझा और ना ही घटना पर शोक व्यक्त किया। इसी को लेकर पत्रकारों ने प्रस्ताव के बाद उक्त सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है, जिसकी शिकायत सीएम से भी करने की बात कही गई। यहां तक कहा गया है कि जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को किसी भी जिले का प्रभार दिया जाए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के सदस्य मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। के साथियों द्वारा एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, वो क्या है और क्या आपका कहना है? देखिए, हमारे तीन साथी जिनमें एक अध्यक्ष है, सुनील शर्मा है और नरेंद्र दीक्षित हैं, सड़क दुर्घटना के अंदर वो अकाल काल कबलित हो गए और उनके कार्यक्रम के अंदर श्रद्धांजलि वगैरह में ना तो प्रभारी मंत्री आए और ना प्रभुराम चौधरी आए। इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय से तो ये निवेदन किया जाएगा कि प्रभारी मंत्री के लिए भविष्य में भी किसी जिले का प्रभार नहीं सौंपा जाए, क्योंकि यह उनका काम बिल्कुल शर्मनाक है, धिक्कारने योग्य है और लापरवाही पूर्ण है। कम से कम जिस जिले का प्रभारी मंत्री होता है वह उस जिले का मुखिया होता है, उसका गार्जियन होता है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि इस प्रकार की कोई भी घटनाएं होती हैं तो वहां जा कर के शोक संवेदना व्यक्त करे। यह उसकी व्यक्तिगत ही नहीं, एक प्रकार से शासन की मंशा को भी जाहिर करना होता है कि शासन कितना संवेदनशील है अपने क्षेत्र के निवासियों के प्रति। उनने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए उनके लिए प्रभारी मंत्री नहीं रहना चाहिए। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग है और पास के ही जिले के अंदर प्रभुराम है, वो आते जाते यहाँ इस जिले में रहे हैं इन घटनाओं के समय पर, लेकिन वो भी संवेदना व्यक्त करने नहीं आए। उनकी भी मैं निंदा करता हूँ, प्रेस क्लब ने उनकी निंदा की है। इसके अलावा जिले के विधायकों की स्थिति भी जो है वो शर्मनाक रही है, उनके लिए कम से कम अपनी संवेदनाएँ तो व्यक्त करना चाहिए थी। वो जहाँ मौजूद हैं वहीं से प्रेस के माध्यम से अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कर देते तो हम ये समझते कि उन्होंने थोड़ी बहुत उनमें इंसानियत है और भलमनसाहत है, लेकिन उन्होंने इसका भी परिचय नहीं दिया। हम उनकी भी निंदा करते हैं, प्रेस क्लब उनकी पूरी निंदा करता है। धन्यवाद। आज प्रेस क्लब विदिशा में हमारे तीन दिवंगत साथियों की श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहाँ प्रेस क्लब में सभी सदस्यों ने पुष्प अर्पण किए और शोक सभा रखी गई और साथ ही बैठक में कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। इसमें सबसे पहले नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन और वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा द्वारा तीनों जो पत्रकार साथी थे उनके घर पर जो भी सदस्य हैं जो इस लायक हैं और उन्हें योग्यता अनुसार संविदा नियुक्ति नगर पालिका में दी जाएगी। दूसरा, आनंद प्रताप सिंह ने जो घोषणा की थी 25,000 रुपये साल की देने की, वो एक घोषणा पर भी आनंद प्रताप सिंह जी से बात हुई है और भी अनेक बिंदुओं पर इस बैठक में और साथी सभा में चर्चाएं हुई हैं, जिससे हमारे तीनों पत्रकार साथी जो दिवंगत हुए हैं उनके परिवार को किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंच सके और वो जो है अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें।